सभी अध्यापक ने बताया कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हम दूर दराज से हैं और 3 दिन हो गए हमें यहाँ आए हुए। मैडम, एक तरफ भारत सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आज बेटियाँ रोड पर अपना धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो आप क्या समझती हैं आगे के भविष्य? आगे का भविष्य हम लोगों का बहुत अंधकारमय दिख रहा है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यूपी से ही सांसद बनकर आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं और आज वही हमारे यूपी के ही शिक्षा मित्र भाई बहन आज बेरोजगार होकर यहाँ दिल्ली में 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, ना शासन प्रशासन पूछने वाला है, ना मीडिया अभी तक पूछ रही थी, लेकिन आप लोग पूछ रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और मैं सिद्धार्थनगर जिले से यूपी के एकदम बॉर्डर से आई हूँ, अनीता चौधरी मेरा नाम है और मैं MA BEd BTC TET सब कुछ क्वालिफाइड हूँ और आज मैं रोड पे हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मैं शिक्षा मित्र पद के लिए मैंने अपना जो 10 साल 20 साल जो हमने कुर्बान किया है, आज एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नाते आज मैं रोड पे आ गई हूँ। और सुनिए, हाँ भाई साहब, एक चाय बेचने वाला, एक जो चाय बेचता था आज वो प्रधानमंत्री बन गया और जो 17 साल विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दे रहा था, शिक्षक की गरिमा में था, आज उसकी गरिमा का हनन हुआ है, शिक्षक के मान सम्मान का हनन हुआ है। और जहाँ शिक्षक के सम्मान का हनन होता है वहाँ शासन का पतन होता है, समाज का पतन होता है, क्योंकि जब शिक्षक रोड पे रहेगा बच्चे शिक्षा नहीं पाएंगे, बच्चे शिक्षा नहीं पाएंगे तो वो पलायन कर जाएंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, तो देश कहाँ विकास करेगा? मोदी जी देश विकास का नारा देते हैं, विदेश में जाके हमारे देश का नाम करते हैं, लेकिन यहाँ 3 दिन से हमारे भाई बहन रोड पे पड़े हैं। मैं खुद फुटपाथ पे पड़ी हूँ, लेकिन कोई ने पूछने नहीं आया, ना मोदी जी पूछने आए, ना यहाँ जितने भी प्रशासन में बैठे हुए हैं। हमारे यूपी के राष्ट्रपति जी से मैं गुहार करती हूँ कि अगर मेरा सम्मान, मेरे भाई बहनों का सम्मान नहीं मिला तो मुझे फांसी की सजा दे दो, यही दिल्ली की धरती पे हम लोग फांसी पे झूल जाएंगे, लेकिन बिना अपना सम्मान लिए हम वापस यूपी नहीं जाएंगे।